अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? सुबह सुबह उठते ही एकदम से मैं डर गई, और डरी मैं इस तरह, जैसे ही मैंने व्लॉग स्टार्ट किया तो यहाँ पर हमने कवर करने के लिए एक गत्ता सा लगाया हुआ था, वो एकदम से नीचे गिर गया। वो मैं आपको दिखाती हूँ, ये रहा। इसको देख कर एकदम जब मैं रूम के अंदर एंटर हुई तो एकदम से मैं इतना बुरा डरी हूँ कि मेरे चारों तबक रोशन हो गए कि ये हुआ क्या। अब मुझे ये टेंशन है कि ये बहुत बड़ा हॉल है, और क्योंकि यहाँ पर अभी एसी नहीं लगा, साथ वाले रूम में हमने एसी नहीं लगाया हुआ, यहाँ से कोई भी कुछ छिपकली कोई भी चीज़ बाहर से इजीली अंदर आ सकती है। तो अब मुझे यहाँ तो पापा हो गया कि इसको कवर करना पड़ेगा, मुझे खुद करना पड़ेगा। तो अब देखते हैं, लेट्स सी क्या होता है। और मेरे मियाँ साहब ने ना गंद भी बहुत डाला है, मेरे मियाँ साहब गंद भी बहुत डालते हैं। सिर्फ मेरे मियाँ साहब नहीं, मैं खुद भी बड़ा गंद डालती हूँ। मैं आप लोगों को कहता हूँ, ये देखें मेरे मियाँ साहब ने रखा हुआ, ये मैंने रखी हुई मशीन। वो एक्चुअली पता नहीं लगता ना, काम शाम में बच्चा भी देखना होता है, काम शाम भी करना होता था, फिर गंद भी डल जाता है, और बाद में मैं पछताती हूँ, इतना गंद डाल दिया, मैंने साफ भी खुद करना है। और आज मुझसे बिल्कुल ब्लॉग नहीं बनाया जा रहा, क्योंकि मेरे शोल्डर में इतना पेन है, मुझसे फ़ोन नहीं उठाया जा रहा। चलो सहारा दे देती हूँ, हाथ को थोड़ा सा सहारा मिल जाएगा। बहुत मुश्किल है, बहुत आसान लगता है, जो देखे होते हैं देखने वाले ऐसे देख के ऐसे ख़त्म कर देते हैं, जो बनाता है जो एडिट करता है उसको अलग पता जाता है, ट्रस्ट मी। खैर अभी मैं जाती हूँ समी के पास, समी कहती हूँ इसको कवर करें, और उसके बाद आज का दिन शुरू करते हैं। तो भाई समी इज़ वेरी बिजी, तो अब मुझे खुद ही करना है जो करना है। अब मुझे वो हॉल खुद ही उसको मुझे बंद करना पड़ेगा, या मैं पापा जी को कहती हूँ, पापा जी उठे हुए हैं। जब अपने घर होती थी ना, मामा के घर, तो कोई भी हमारी कोई चीज़ ख़राब होती थी, कोई इलेक्ट्रिसिटी का इशू होता था, कोई किसी भी चीज़ का कोई इशू होता था, तो मेरे पापा ऐसे चुटकी में उसको ठीक कर देते थे। उसी तरह यहाँ पर पापा जी हैं समी के फादर, वो उनको कोई भी मसला, उनको भी इशू बताओ, ऐसा हल बताते हैं ना, हम कहते हैं यार इतना दिमाग है यहाँ पर, इतना जहन ही नहीं है। मेरा सो गई है फिर से, मेरे को सुनाने के बाद मैंने शॉवर लिया, उसके बाद ना मैं कुछ सोचा मैं थोड़ा सा सो लूँ, और अभी मैं थोड़ा सा मैंने पावर नैप लिया ही था कि मुझे एक शैतान की कॉल आ गई, और शैतान मुझे कॉल करिए लिटरली क्या पूछ रही है, हमारे घर का रास्ता नहीं समझ आ रहा। मतलब भाई तुम मेरे घर इतनी दफ़ा आई, तुम्हें मेरे घर का रास्ता समझ नहीं आ रहा, कौन लोग हैं? मुझे लगता है गूगल मैप बना ही मेरे दोस्तों के लिए, और किसी के लिए नहीं बना। मैं तुम्हें सोने नहीं देती यार। तो हाँ, कब सोने देती है? जब भी देखो लोग मुझे मैसेज कर रहे होते हैं आप शहर को सोने की, आप शहर की शेल्फ पर बैठ जाती हैं। ये मेरी वो दोस्त है जो मेरी रूटीन सेट करती है, ये सुबह का टाइम आती है, सेट नहीं है अपनी, सेट नहीं है खुद, फिर रात दस हो गए सुबह मेरे पास आ जाती है, मेरी रूटीन सेट करती है। लेकिन जब तुम जाती हो ना, उस दिन मुझे नींद बहुत प्यारी आती है यार। ये तो वैसे थोड़ा बुरा सा लग गया आज मेरी ज़िंदगी में चीज़ें बहुत डिफरेंट हो रही हैं, ये एकदम से आ गई, कहाँ से टपक पड़ी मुझे समझ नहीं है, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है सही बताऊँ। मैं इसको दो चार दिनों से, अच्छा ये पता है किस तरह की, जब इनको कहो ना आ जाओ तो बहुत भाव खाती हैं, नहीं नहीं हम बिजी हैं, नहीं हम छोड़ रहे हैं, नहीं मैं वो काम है, और जब इन्हें छोड़ दो ना कि नहीं आना तो ना हो ठीक है, फिर ही आ जाती हैं, ये ऐसी हैं। खैर अभी एकदम से फिर मैं इसको कहती कि तुम ना बेल ना देना, क्योंकि आयरा सो रही है वो उठ जाएगी, इसने बेल दे दी। अच्छा सोने पर सो आ गई, आकर बैठी कि बाहर एक और दफ़ा बेल होगी, मैं भाग कर बाहर गई कौन है, तो साथ ही बहुत क्यूट से भाई आए थे जो ये फ्लावर्स दे के गए हैं, कितने प्यारे हैं, थैंक यू सो मच। मैं उनको टाइम ही दे सकी, उनको मैं पहले ही सॉरी कह दूं। मैंने कुछ ड्रेसेस वगैरह भिजवाए हैं जो मैं आपको इंस्टाग्राम पर दिखाऊंगी इंशाल्लाह। ओ थैंक यू सो मच भाई, और सॉरी सोबिया बास मैं आपको टाइम नहीं दे सकी, लेकिन इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आप जब भी आएंगी ना तो हम लोग बहुत सारी बातें करेंगे, बैठ कर खाना खाएँगे, अपने हाथ से आपको कुछ खाना बना कर खिलाऊँगी, और बहुत सारा टाइम स्पेंड करेंगे। मेरी पलक छवी, मेरी फूल जैसी दोस्त के लिए फूल। ला 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 यार मुझे आदत नहीं है, तो मैं फलक थोड़ी हूँ इतनी, तू सारा जितनी तू माँ जी, मैंने कहा मेरी फूल जैसी दोस्त है तो उसको मैंने ये फूल दिया, कैसा लग रहा है? माँ जी दिल में कह, माँ जी दिल में कह रही है अस्तगफिरुल्लाह। चले मैंने कहा इसको ड्रॉप कर देते हैं यूनिवर्सिटी तक, इसको ड्रॉप करना है फिर हम लोगों ना सामान ले लेते हैं। फ्रेंड मेरी चली गई है क्योंकि उसने आज किसी वेडिंग इवेंट पर जाना था, और उसकी बहन वेट कर रही थी यूनिवर्सिटी में, तो मैं उसको यूनिवर्सिटी ड्रॉप की है यहाँ पर पास में ही। मैं आ गई हूँ घर, और घर आकर अब मैंने खाना बनाने लगी हूँ। बहुत से लोगों ने मेरी लास्ट रेसिपी में जब मैंने बनाई थी तो उसमें मुझे उन्होंने बोला था एक आलू की भुजिया और एक बिरयानी की रेसिपी में ज़रूर दें। आलू की भुजिया तो नहीं पे मैं बना रही, लेकिन मैं बिरयानी की रेसिपी मैं आपको अभी ज़रूर दूँगी, क्योंकि मैं बिरयानी बनाने लगी हूँ। प्याज मैं काटना शुरू किया है, अभी 3 प्याज काटे हैं, काफ़ी इधर पड़े हैं। माँ जी को मैंने बोला आप चिकन जाके लेंगे, क्योंकि चिकन थोड़ा कम था, मैंने कहा आप जाकर चिकन वगैरह लें, चीज़ें और रायता वगैरह बनाना वो चीज़ें लें, तो माँ जी बोले नहीं है, तो फिर मैं प्याज वगैरह कट करती हूँ, और फिर मैं आपको बताती हूँ आज मेरी बिरयानी की रेसिपी। माँ जी आ गई थी चिकन वगैरह लेकर, और माँ जी मेरी बहुत हेल्प करवा रही है, थैंक यू सो मच माँ जी। माँ जी कहती है तुम अकेली मत करो, मैं तुम्हारे साथ करती हूँ, तो मैंने कहा ठीक है माँ जी। खैर अभी हमने मसाले वगैरह बना के रखे हैं, मैं आपको बताती हूँ।
ये मैंने प्याज बना कर रख लिए हैं, ये मैंने रखा है अदरक लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट बना कर रखा है, ये मैंने टमाटर या टमाटर का पेस्ट बना कर, सबकी अपनी मर्ज़ी होती है, मैं ज़रा ग्राइंड करके इस्तेमाल करती हूँ तो मैंने ये ग्राइंड करके रखा है। खैर ये है काली मिर्च, ये मैंने एक चम्मच काली मिर्च रखी है, और मसाले आप हसबे जायका अपनी मर्ज़ी से आप डाल सकते हैं। मैंने 3 चम्मच नमक डाला है, आधी चम्मच हल्दी डाली है, 2 चम्मच लाल मिर्च डाली है और 2 चम्मच मैंने डाला है चाट मसाला, और इसमें साबुत सूखा धनिया जो मैंने ग्राइंड किया है उसकी मैंने 2 चम्मच वो डाली और 2 चम्मच मैंने ज़ीरा डाल दिया क्योंकि मुझे पसंद है। चावल भी धो लिए हैं, चिकन भी रेडी है, क्योंकि चावल हमारे हैं 1.5 किलो और 1.5 किलो हमारा चिकन है, सबकी अपनी मर्ज़ी है, आप लोग जितना मर्ज़ी इस्तेमाल करते हैं। खैर हमने 1.5 किलो चावल 1.5 किलो चिकन किया, उस हिसाब से चीज़ें तैयार हैं, अब बस हम तैयार करेंगे। ये मैंने ऑयल ऐड किया है, आपकी अपनी मर्ज़ी है, कुछ लोग ऑयल ज़्यादा यूज़ करते हैं, कुछ कम करते हैं। इसमें मैं ऐड करूँगी प्याज, प्याज हमारे ब्राउन हो गए हैं तो मैंने कहा प्याज पहले हम ग्राइंड कर लें, अब प्याज़ों को हम पहले करेंगे ग्राइंड, तब तक हमारा चिकन हो जाएगा फ्राई। प्याज को हम करेंगे ग्राइंड, तब तक हम कर लेंगे चिकन फ्राई। अब ये चिकन फ्राई हो रहा है तब तक मैं प्याज ग्राइंड कर लेती हूँ। चिकन फ्राई हो गया, हम इसमें ऐड करेंगे वो प्याज जो हमने ग्राइंड किए थे, और साथ में मैंने यहाँ पर रख दिया है चावलों के लिए पानी, यहाँ पर हम चावल बॉइल करेंगे, वो तो आपको पता है किस तरह बॉइल किया जाता है। खैर अब चिकन में हम लोग करते हैं, सबसे पहले प्याज ऐड, प्याज हमने इसमें ऐड कर दिए हैं, अब हम इसमें स्पाइस ऐड करेंगे। सबसे पहले तो हम लोग इसमें डालते हैं ये बिस्मिल्लाह, थैंक यू माची। अब इसमें हम ये भी ऐड करेंगे, अब इसमें हम ये ऐड करेंगे बिस्मिल्लाह। अच्छा मैंने इसमें लहसुन अदरक का भी और मिर्च का भी पेस्ट ऐड कर दिया है, और ये भी हमने सूखा धनिया जो रखाया था और ज़ीरा वो भी ऐड कर दिया है, और ये हमारी लास्ट रह गई है काली मिर्च। चलो बिस्मिल्लाह, सबसे लास्ट में हम इसमें ऐड करेंगे टमाटो पेस्ट बिस्मिल्लाह। अरे दूसरा वाला भी दे दें, ये तो मुझे इसकी चटनी इतनी पसंद है, मुझे टमाटर की इतनी पसंद है, मैं ऐसे ही खा सकती हूँ। उफ दिल कह रहा है इसी के साथ नान लेके बैठ जाऊँ। माँ जी मैंने कहा नान लेकर ना इधर ही बैठ जाती हूँ, क्योंकि मैंने लिटरली सुबह का नाश्ता किया हुआ है, वो भी सुबह 7 बजे का, और इस वक्त 8 बज रहे हैं। मसाला मेरा तकरीबन तैयार होने वाला है, तो ये मैंने एक बाउल दही लिया, उसमें मैंने ऐड किया है बिरयानी मसाला, क्योंकि मुझे स्पाइसी बिरयानी बहुत पसंद है, मैं तो बहुत क्रेज़ है, मैं क्या बताऊँ, मैं सारा साल खा सकती हूँ बिरयानी। और एक आपको मज़ेदार बात बताती हूँ, राज की बात बताती हूँ, कि इसके बगैर मैं नहीं रह सकती, मैं किसी के भी बगैर रह सकती, इसके बगैर रह सकती, ये मेरे लिए समी रशीद है। और अगर ये बिरयानी में ऐड हो जाए, ओह जैसे ये बने और मैं खाऊं, हम इसमें ना ये अचार ऐड कर देते हैं, इसके साथ हम ये जो पेस्ट बनाया है इसका बिरयानी मसाले का, ये भी ऐड कर देंगे हम। चूल्हा हमने बंद करके इसको हमने ढक दिया, क्योंकि अगर मसाला खुश्क हो गया तो बिरयानी का बिल्कुल मज़ा नहीं है। और अब हम चावल तैयार करते हैं, चावल तैयार करके फिर हम अपनी बिरयानी को तैयार करेंगे, मसाले को चावल में ऐड करेंगे, तभी तो जाकर बनेगी हमारी तह वाली बिरयानी। मैं सोने जा रही हूँ तह लेके माँ जी, बाकी काम आप देख लीजिएगा प्लीज़, मुझे टेस्ट आ गया बहुत ज़्यादा। माशाल्लाह से हमारे चावल भी तैयार हैं और हमारा मसाला भी तैयार है। ओके मैंने आप लोगों को बताया था कि मेरे शोल्डर में बहुत ज़्यादा पेन है, मेरे से तो फ़ोन नहीं उठाया जा रहा, तो अब माँ जी मेरी हेल्प करेंगी। फिर हम इसमें ऐड करेंगे मसाला, वाओ मसाला, फिर चावल, फिर मसाला, फिर चावल। उफ़ माँ जी आपको कैसा लग रहा है, कैसा बना होगा? शक्ल तो बता रही बहुत मज़े का होगा इंशाल्लाह माँ जी, आप और इसकी जो खुशबू आ रही है ना कमाल आ रही है। आपने उंगलियाँ चूसने बैठ जाना है माँ जी, आपने अपने बहू के भी हाथ चूमने हैं माँ जी। मेरी बहू के हाथ में बहुत टेस्ट है। थैंक यू माँ जी, शुक्रिया शुक्रिया तारीफ के लिए, क्योंकि चम्मच से बहुत देर लग रही थी और हमारे से वेट नहीं हो रहा, तो मैंने माँ जी को कहा आप प्लेट से डाल लें, आई कांट वेट माँ जी। उफ माशाल्लाह माशाल्लाह, तारीफ मी लेटर। ओके गाइस ये हमारी ऑलमोस्ट बिरयानी तैयार हो गई है, इसमें मैंने फूड कलर ऐड किया है, और अब इसको मैं रख दूँगी दम पर, और फिर मैं करूँगी इसका वेट, और जब ये बन जाएगी फिर मैं खा लूँगी। यस बहुत भूख लगी। नहीं तो माशाल्लाह से हमारी तैयार हो गई है, और अल्लाह ही मैं आपको सच बता रही हूँ बहुत प्यारी खुशबू आ रही है, ये नहीं कि मैं रेसिपी दे रही हूँ तो मैं आप लोगों को बता रही हूँ। माँ जी आप बताएँ। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत प्यारी, अच्छी आ रही है क्या? एक होती है खुश बिरयानी, ये जूसी बिरयानी, ये बहुत मनेगी। थैंक यू माँ। बिरयानी मेरी तैयार हो गई है, अब हम लोग इसको खाएंगे, और आप लोग भी मुझे बताइएगा कि आप लोगों की बिरयानी की रेसिपी क्या है, आप लोग किस तरह बनाते हैं। तो आज का ब्लॉग करती हूँ मैं यहीं पर ख़त्म, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरा ब्लॉग बहुत पसंद आया, अगर पसंद आया है तो लाइक करें, कॉमेंट करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।
है।